गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी फॉर दिस सेशन। ये हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर एमसीक्यू फॉर यूपीएससी प्री 2018। टारगेट हमारा ये है, बट हम ये क्वेश्चंस जो है आपको 2019 के लिए भी यूज़फुल होंगे, और दूसरे अगर स्टेट पीएससी का भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, एसएससी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए भी डेफिनेटली आपको ये काम आएंगे। आज हमारा डे 28, इसका मतलब जो है ऑलरेडी 270 क्वेश्चंस करंट अफेयर क्वेश्चंस जो है हाई क्वालिटी क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर अभी आप जुड़ रहे हैं तो बिल्कुल पीछे वाले जो वीडियो है वो आपको 6 AM का जो सेशन है उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, और इसकी PDF जो है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमारा एप्लीकेशन है GK24 एप्लीकेशन है, और एक वाईफाई स्टडी एप्लीकेशन है, वहाँ पे भी हम इसको शेयर करते हैं, तो वहाँ पे भी आप ले सकते हैं। मैं अपने ट्विटर हैंडल पे भी डेली बेसिस पे इसको अपडेट करता हूँ, तो आप वहाँ से भी PDF ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, मैं हूँ राम एन बिश्नोई, आपके लिए सेशन स्पेसिफिकली लेके आता हूँ। 6 AM और 7 AM दो सेशन हम करते हैं। 6 AM का जो है ये करंट अफेयर MCQs हम लाते हैं, 7 AM में हम लेके आते हैं द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस UPSC स्टैंडर्ड पे, स्टेट PSC स्टैंडर्ड पे जो है हम इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल जो है एग्जाम से रिलेवेंट उसका एनालिसिस करते हैं, तो उसको भी जो है बिल्कुल आप बैक टू बैक फॉलो करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं जो है हमारा स्टार्ट क्वेश्चन। लास्ट टू लास्ट सेशन का हमारा स्टार्ट क्वेश्चन था इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की हम बात कर रहे थे। 2016 में ये कोड आया था, ये अभी न्यूज़ में इसलिए है कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग आई है उसके अंदर इंडिया की इंप्रूवमेंट हुआ है, उसके अंदर इंडिया की रैंकिंग अभी 100 पे पहुंच गई है। तो उसमें जो है सबसे बड़ा जो है योगदान इसका, इस पर्टिकुलर कोड का बताया जा रहा है कि इस कोड से ओवर द टाइम जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के जो इश्यूज़ हैं वो जो है स्पीडअपली उनके हो जाएंगे, उनका इफेक्टिव सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट है, देख लेते हैं। इट सेपरेट्स कमर्शियल आस्पेक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसीडिंग फ्रॉम जुडिशियल आस्पेक्ट। इट प्रोवाइड्स फॉर डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल एज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विद ज्यूरिस्डिक्शन ओवर इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट इसके जो है करेक्ट है, और इन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। तो इसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं, दोनों जो स्टेटमेंट है ये काफी इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। इन्होंने पहला तो ये कहा है कि ये सेपरेट करता है कमर्शियल आस्पेक्ट और जुडिशियल आस्पेक्ट को, दोनों को सेपरेट करता है। अब दोनों को सेपरेट करने से क्या होगा कि चीजें स्पीड अप होगी, और कमर्शियल आस्पेक्ट के अंदर इन्होंने ये कहा है कि कमर्शियल आस्पेक्ट के अंदर जो डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल है वो एक स्पेशलाइज बॉडी के तौर पर काम करेगा। जैसे NGT जो है वो ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है वो एनवायरमेंटल इश्यूज और उस पर एक्सपर्टाइज को प्रोवाइड करता है, एक्सपर्ट मेंबर्स की उसके अंदर हेल्प लेता है, जिससे कि एक जुडिशियरी को जो है और स्पेशलाइज जुडिशियरी की तरफ जो है पर्टिकुलर इश्यू ओरिएंटेड और जो जो स्पेसिफिक एक टर्म ओरिएंटेड जो इकोनॉमी ओरिएंटेड जो है वो इसके अंदर बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से स्पीडअप होगा, एफिशियंट होगा और इफेक्टिव होगा। तो इन्होंने इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिकॉज रिजोल्यूशन डन क्विकली जुडिशरी टू एंश्योर द बिजनेस इज नॉट स्ट्रक प्रोसेस शुड कंप्लीटेड विद इन 180 days एंड एक्सटेंडेड बाय द 90 days। तो ये प्रोविजन इसके अंदर जो लिमिटेशन भी दी गई है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंडर द IBC डेप्टर एंड क्रेडिटर बोथ कैन स्टार्ट रिकवरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट टीचर, दोनों जो है वो कर सकते हैं, और इससे जो है जो जुडिशरी के ऊपर बर्डन जो है ओवरऑल जुडिशरी के ऊपर बर्डन भी है वो कम होगा। नेक्स्ट आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मिशन 41K जो है वो रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, तो ये इकोनॉमिक्स से इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन से डिपार्टमेंट का है, इसके अंदर ये बात करी गई है ये कौन से किससे जुड़ा हुआ है, MSME, इंडियन रेलवे, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर या फिर IT सेक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आप इसको सेलेक्ट करो, फिर मैं बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे बेसिकली टारगेट ये कर रहा है कि नेक्स्ट डिकेड के अंदर 41,000 करोड़ रुपीज़ को जो है इसको सेव करने हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल में, और क्योंकि अभी जो है इलेक्ट्रिफिकेशन जितने भी रूट्स है, जितने भी ट्रांजिट रूट्स है उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो अभी बढ़ता जा रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टारगेट किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे विद मिशन ऑफ 41K टू सेव 41,000 करोड़ इन द नेक्स्ट डिकेड ऑफ रेलवेज एनर्जी कॉस्ट इनको 41K तक जो है उनको रिड्यूस करनी है। और जो इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क को लेके बात हो रही है तो उसके अंदर ये कहा है कि इंडियन रेलवे बात करेगा कि एनर्जी मिक्स की बात करेगा, जिसके अंदर टारगेट सेट किया है कि 1000 MW सोलर पावर और 200 MW जो है विंड एनर्जी से इनको वहाँ से लेना है।
दूसरा यहाँ पे बात करी है कि जो ट्रैफिक है 70% अभी ट्रैफिक रन होता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से, उसको 6-7 साल के अंदर 90% ट्रैक्शन से जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से कर देंगे तो डेफिनेटली जो है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ेगा। और तीसरा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोक्योरमेंट होगा वो ओपन एसेस से होगा, वो फिक्स नहीं है। तो ओपन एसेस से होने से जो है उनको बेस्ट और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग जो पे जो है इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और उससे इनको जो है फ़ायदा होगा। और अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कंप्लीट 25% टोटल जो है उनके वर्किंग एक्सपेंसेस के अंदर उसका पार्ट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट है जिसके अंदर ये टारगेट कर रहे हैं, तीन चीज़ों पर टारगेट कर रहे हैं, एक तो सोर्सिंग पे, एक जो है ओपन एसेस पे, और जो है उसके बाद एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे। सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू गेट द ऑफिशियल मैस्कट बाई डिक्लेयरिंग भूर सिंह एज द मैस्कट। मैस्कट का नाम इन्होंने दिया है भूर सिंह। तो ये क्वेश्चन को समझने की बात यह है कि ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व जिसको कि जो है जिसके अंदर इंडिया के अंदर जो पहला जो है उस टाइगर रिजर्व को ऑफिशियल मैस्कट दिया गया है, ठीक है, और उसका नाम दिया गया भूर सिंह। तो सतपुड़ा, कान्हा, पैंच और पन्ना, चारों ऑप्शन जो है एमपी से बिलोंग करते हैं, एमपी के प्रोटेक्टेड एरियाज है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है, कान्हा। कान्हा टाइगर रिजर्व के अंदर जो है 12 सिंगा को प्रोटेक्ट करने के लिए 12 सिंगा को जो है ऑफिशियल मैस्कट माना गया और उसका नाम दिया है भूर सिंह, ठीक है। टाइगर रिजर्व है बट जो है किसको माना गया, 12 सिंगों को। 12 सिंगों को इसलिए माना गया कि दिस इज़ ए स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश और उसके प्रोटेक्शन को लेके जो पॉसिबल एक्सटिंक्शन है उसको रोकने के लिए इस तरीके का स्पिरिट डेवलप करने की बात करी है कि स्पिरिट ऑफ रिजर्व एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट 12 सिंगा, ठीक है। द कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो मंडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर है एमपी के अंदर। तो इससे जुड़ी हुई और इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर लेना, जो कान्हा टाइगर रिजर्व है वो टाइगर बेसिकली है कहाँ पे, जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, इंपॉर्टेंट जो है वहाँ की स्पीसीज फ्लोरा एंड फाउना क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोटा 1.0 समटाइम्स सीन इन न्यूज़, ये किससे रिलेटेड है, अ बायोफ्यूल, अ सैटेलाइट इन पीएसएलवी C-37, ए बायोडाइवर्सिटी ऐप, एन एंटी कैंसर ड्रग प्रोड्यूस फ्रॉम ए प्लांट्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सिलेक्ट करो, फिर मैं बताता हूँ कि बायोटा 1.0 है ना वो बेसिकली एक बायोडाइवर्सिटी ऐप है जो इंडिया के अंदर डेवलप किया गया है और इस एप्लीकेशन की मदद से जो है स्पीसीज ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी और एक अवेयरनेस का माहौल डेवलप होगा जिससे कंजर्वेशन और एक लोगों के अंदर इस तरीके की भावना पैदा करने की इसके अंदर बात की गई है। तो ये किसने डेवलप किया, रिसर्चर ऑफ सीवी रमन लेबोरेटरी ऑफ इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेटिक्स विच इज़ द पार्ट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरला, हैव डेवलप्ड बायोटा, ए बायोडाइवर्सिटी ऐप। इसका जो है एम क्या है, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज फॉर कंजर्वेशन एंड एडुकेशनल पर्पजेज। द ऐप ऑल्सो एम एट बिल्डिंग अप डेटा बेस ऑन डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने वाली इसमें बात हो रही है कि जो स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंजर्वेशन है उनकी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिलेगी जो कि कंजर्वेशन के लिए काम आएगी और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी काम आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ बाई इलेक्शन इज कंडक्टेड इन द इवेंट ऑफ वैकेंसी कॉज्ड बाई डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विच इज़ टू बी फील्ड बिटवीन जनरल इलेक्शन, दिस इलेक्शन इज ऑर्गेनाइज एंड कंडक्टेड बाई। अब इसके अंदर ये पूछा गया है कि बाई इलेक्शन जो है ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, जो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है ड्यू टू डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द मेंबर इन पार्लियामेंट, ठीक है। अब वो वैकेंसी जो क्रिएट हुई उसके लिए जो बाई इलेक्शन होगा वो बाई इलेक्शन कौन करवाता है, ये पूछा गया है। अब बाई इलेक्शन के अलावा अगर आपको पता होगा कि जो पार्लियामेंट का जनरल इलेक्शन है वो जनरल इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है इंडिया के अंदर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन इंडिया के अंदर पार्लियामेंट के इलेक्शन करवाता है, इसके अलावा प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाता है, इसके अलावा जो है स्टेट लेजिस्लेटर के जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। तो चारों ऑप्शन देख लेता है कि बाई इलेक्शन कौन करवाता है, एन ऑल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंसर्न स्टेट इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट इन द सुपरविजन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ऑप्शन दे के कन्फ्यूज नहीं होना है, बाई इलेक्शन भी जो है पार्लियामेंट का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाएगा। और अब कन्फ्यूजन हो जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन ओनली जो है रेस्पॉन्सिबल है अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शन करवाने के लिए, जो कि 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे उनके अंदर इनको प्रोविजन दिया गया था।
ठीक है, तो इन मोस्ट केसेस दीज इलेक्शन ऑकर व्हेन द इनकम्बेंट डाइड रिजाइंड, बट आल्सो इट कैन ऑकर इन द इनकम्बेंट बिकम इनएलिजिबल टू कंटिन्यू इन ऑफिस। ठीक है, तो ये अभी चर्चा में था जो एलिजिबिलिटी की वजह से जो है काफ़ी लोगों को जो है वो बात हो रही थी, और उसके अंदर बाई इलेक्शन भी कई जगह चल रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन लिया गया है। लेस कॉमनली दीज इलेक्शन हैव बीन कॉल्ड वैन द कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन इज इनवैलिडेटेड बाई द वोटिंग इरेगुलरिटीज़। इस वजह से भी जो है बाई इलेक्शन कई बार करवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है अटल पेंशन योजना से। चारों स्टेटमेंट में से करेक्ट ऑप्शन पूछा है। इट वॉज स्टार्टेड बिफोर 2008 रिसेशन। द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट 100% ऑफ फंड। ओनली इनकम टैक्स पेयर्स आर एलिजिबल अंडर द स्कीम। नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1/1 अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अटल पेंशन जो योजना है उसके बारे में जो कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी आंसरिंग कर सकते हैं कि अटल पेंशन योजना है वो जो प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट है उसने स्टार्ट करी थी, तो इट वॉज स्टार्टेड बिफोर 2008 रिसेशन, तो ये स्टेटमेंट जो है आप हटा सकते हो। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसका 100% इसकी फंडिंग करेगी, तो ये भी जो है पॉसिबल नहीं है क्योंकि 100% फंडिंग जो है गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम में, इस तरीके की पेंशन योजना में और इंश्योरेंस में डेफिनेटली गवर्नमेंट नहीं करती है। उसके अंदर जो है कुछ पार्ट गवर्नमेंट कर सकती है बट कंप्लीट 100% नहीं करती है, तो ये भी गलत हो गया। और दूसरा, इसके अंदर ये है कि ओनली इनकम टैक्स पेयर, तो ये भी अपने आप में जो है ये क्वेश्चन मार्क, कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है सही नहीं लगता है कि ओनली इनकम टैक्स पेयर के लिए इस तरीके की पेंशन योजना गवर्नमेंट क्यों लाएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, नन ऑफ द अबव। इसकी डिटेलिंग लेते हैं कि ये स्कीम क्या है। ये स्टार्ट हुई 2015 के अंदर, किसके लिए, सारे सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है फ्रॉम एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 ईयर, 18 से 40 साल के जो लोग हैं इसको अवेल कर सकते हैं। अब इसकी कंडीशन क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट 50% कॉन्ट्रीब्यूट करेगी या फिर जो है 1000 rupees पर एनम, जो दोनों में से जो कम होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। अब इसके अंदर सब्सक्राइब के फॉर 5 years, 5 साल तक इसके अंदर करेगी, और ये पीरियड इन्होंने दे दिया अप टू 2020 तक। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर कहा गया कि हु आर नॉट मेंबर ऑफ एनी स्टेट सोशल सिक्योरिटी एंड हु आर नॉट इनकम टैक्स पेयर। ठीक है, तो उनके लिए ये कहा गया कि ये इनके लिए अवेलेबल है। अंडर द स्कीम ए सब्सक्राइबर वुड रिसीव ए मिनिमम गारंटीड पेंशन ऑफ दिस मच अमाउंट 1000 rupees to 5000 rupees, और 60 साल के बाद में ये गारंटीड अमाउंट जो है 1000 से 5000 rupees इतने उनके अकाउंट में क्रेडिट होने लग जाएंगे एज ए पेंशन अकॉर्डिंग टू उनके जो है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वेटलैंड एटलस हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसके द्वारा जो है नेशनल वेटलैंड एटलस जो है वो प्रिपेयर किया गया, किसके द्वारा तैयार किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वेटलैंड इंटरनेशनल सर्वे ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर आप थोड़ा इसके बारे में सोचो तो आपको मिलेगा, करेक्ट आंसर है इसरो। इसरो ने जो है ये सबसे पहले प्रिपेयर किया था 2011 में। द नेशनल वेटलैंड एटलस वॉज प्रिपेयर्ड बाई इसरो इन 2011, और इसके अंदर ये मिला के इंडिया हैज़ ओवर 2 lakh वेटलैंड्स बट ए वास्ट मेजोरिटी हैज़ नॉट बीन नोटिफाइड एज वेटलैंड, दस द रनिंग द रिस्क ऑफ बिंग डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एज ए वेटलैंड इनको नोटिफाई नहीं किया गया जिसकी वजह से जो है वो डिस्ट्रॉय होने की कगार पे है। Recently seen in news, Kotak committee has given its recommendation. ठीक है, तो ये कहा है कि ये इस कमेटी ने किस पे रिकमेंडेशन दी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ बैंक्स, रिफॉर्म्स इन स्मॉल सेविंग, रिफॉर्म्स इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, NBFCs, इनमें से किसके बारे में जो है कोटक कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये बेसिकली जो है सेबी ने ये कमेटी का गठन किया था और इसकी रिकमेंडेशन थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके कि उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर करी जाए और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल कैसे फॉलो किया जाए और एक जो एथिकल स्टैंडर्ड है वो कैसे फॉलो किया जाए, तो उस पर इन्होंने रिकमेंडेशन करी थी। काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशन थी, 6-7 अच्छी रिकमेंडेशन थी, उनके बारे में जो है आप और जानकारी जुटा लेना। तो द कमिटी लेड बाई उदय कोटक वॉज फाउंड बाई द सेबी टू रिकमेंड रिफॉर्म इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफेंस रिसर्च, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियर ट्रायड। ठीक है, जो कि अभी न्यूज़ में था, न्यूक्लियर ट्रायड ये क्या है। ए न्यूक्लियर ट्रायड पावर हैज़ द एबिलिटी टू लॉन्च न्यूक्लियर वेपन फ्रॉम एयर, लैंड एंड वाटर। इंडिया हैज़ कंप्लीटेड इट्स न्यूक्लियर ट्रायड बाई इंडक्टिंग द इंडिजिनियसली बिल्ड स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत। ठीक है, तो ये अभी न्यूज़ में था कि इस तरीके से इंडिया ने जो है ट्रायड कंप्लीट किया है, और ट्रायड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत ही कम देश जो है इस तरीके से न्यूक्लियर ट्रायड जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो न्यूक्लियर ट्रायड का बेसिक मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि आप लैंड,
एयर और वाटर तीनों से जो है न्यूक्लियर अटैक करने की आपके अंदर कैपेबिलिटी हो। तो इंडिया में जो है पहले लैंड और एयर से तो कैपेबिलिटी थी, वाटर से अभी जो INS अरिहंत डेवलप करी है उससे जो है वाटर सबमरीन के तौर पे जो है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के तौर पे इंडिया ने इसको डेवलप किया है कि इंडिया जो है इसको इन केस इंडिया के ऊपर इस तरीके की स्ट्राइक होती है तो जो है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के तौर पर इंडिया इसको यूज़ करेगा। तो इसके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। तो इंडिया हैज़ कम्प्लीटेड इट्स न्यूक्लियर ट्रायड बाय इंडक्टिंग द इंडिजियसली बिल्ड स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत इनटू सर्विस। INS अरिहंत इज केपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर टिप्ड बैलिस्टिक मिसाइल। INS अरिहंत रिपोर्टेड सफर्ड मेजर, अभी जो है उस वहाँ पे डॉक पे उसको मेजर डैमेज जो है वो हो गया था, इस वजह से जो है अभी रिपेयरिंग वर्क उस पर चल रहा है, इस वजह से अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में थी। तो INS अरिहंत बिकमिंग फुल्ली ऑपरेशनल, इंडिया जॉइंस द क्लब ऑफ न्यूक्लियर ट्रायड। ये किन किन कंट्रीज़ के पास है? UK, USA, चाइना, रसिया और फ्रांस ओनली। बाकी कंट्रीज़ के पास जो है न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो इंडिया जो है टॉप 6 कंट्रीज़ के अंदर इसके बाद शामिल हो जाएगा, और न्यूक्लियर ट्रायड जो है एयर लैंड एंड वाटर जो है तीनों से कैपेबिलिटी, अगर न्यूक्लियर लॉन्च कैपेबिलिटी है तो उसको ट्रायड कहा जाता है। 9th क्वेश्चन है, भुरजामा रीजन इन कश्मीर डेफिसाइट इज सीन विच हैज़ रिसेंटली बीन इंटरप्रेटेड एज अ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। ये एक कश्मीर के अंदर एक जगह है भुरजामा, और उस जगह के अंदर बेसिकली क्या हुआ कि वहाँ पे एक गुफा के अंदर इस तरीके के जो दृश्य है वो मिले हैं, उनकी खोज हुई है, जो कि खगोलीय घटनाओं से जोड़कर देखे जाते हैं, ठीक है। तो वो घटना क्या क्या हो सकती है उसके बारे में पूछा गया। इंडिया के अंदर हुई है इस तरीके की रिसर्च, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट रिसर्च है। तो पहला स्टेटमेंट है द अर्लीस्ट नोन रिकॉर्ड ऑफ द सुपरनोवा एक्सप्लोजन, द अर्लीस्ट नोन डिपिक्शन ऑफ बाइनरी स्टार, द अर्लीस्ट नोन रिकॉर्ड ऑफ टोटल सोलर एक्लिप्स, द अर्लीस्ट नोन डिपिक्शन ऑफ एलियंस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, जिसके अंदर जो है ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन इस तरीके के उस वहाँ पे दृश्य मिले हैं, जहाँ पे जो है दो जो है ब्राइट ऑब्जेक्ट है, और दो ब्राइट ऑब्जेक्ट के पास में जो है एक हंटर है, और वो हंटिंग करता हुआ जो है स्पीयर्स लेके जो है हंटिंग करता हुआ इस तरीके से उस तरीके का दृश्य जो है गुफा के अंदर मिला है। तो ये बेसिकली क्या है, ये 5000 साल जो है इसकी पुरानी जो है रॉक कार्विंग इसको बताया जाता है। एस्ट्रोफिजिस्ट जो है इंडियन एस्ट्रोफिजिस्ट इसको इसकी खोज कर रहे थे, तो दे बिलीव इट इज़ द ओल्डेस्ट रिकॉर्ड ऑफ सुपरनोवा एंड स्काई चार्ट फाउंड इन ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे अनुमान ये लगाया जाता है कि उस टाइम के जो जो लोग थे उन्होंने इस तरीके का दृश्य देखा होगा, और उस तरीके के दृश्य को जो है उन्होंने ओवर द टाइम वहाँ पे बना लिया होगा। द फिगर शोज टू ब्राइट ऑब्जेक्ट इन द स्काई विद रेज ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ देम, अ हंटर स्पीयरिंग ए एनिमल बिलो द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट हमारा स्टार्ट क्वेश्चन जो है GSLV Mark 3 के ऊपर दो तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो देखने। इट इज़ द हैवीएस्ट रॉकेट एवर मेड बाय इंडिया, इट कैन लॉन्च सैटेलाइट इन जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट एज वेल एज LEO, इट यूजेज इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था, आपको बताया कि इंडिया में जो है अभी PSLV हमारा जो है PSLV लॉन्च व्हीकल हैवीली ऑपरेट किया जाता है, बट जो है उसकी कैपेसिटी जो टनेज कैपेसिटी है वो कम है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से GSLV जो है वो डेवलप अभी किया जा रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके टेस्ट किए गए हैं, इसके सफल टेस्ट हुए हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपको जज करने, जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, और उसके बाद में आपको करेक्ट आंसर देना है। तो ये जो है स्टार्ट क्वेश्चन आप क्या करेंगे, इसका करेक्ट आंसर देंगे, और उसके बाद में करेक्ट आंसर की जो डिटेल्स वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर करनी है, ताकि हम भी उसको रिव्यू करें, दूसरे एस्पिरेंट भी उसको दें, ओवर द टाइम इसको देखें और रिव्यू कर सकते हैं। तो इस सेशन की कार्यप्रणाली मॉडस ऑपरेंडी देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 to 9 क्वेश्चन जो है, 1 to 9 जब क्वेश्चन करते हैं तो रफली हम एक क्वेश्चन के ऊपर 1.5 टू जो है टू मिनट्स का जो टाइम स्पेंड करते हैं, उस दौरान आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें, उसको जो है आंसर दिमाग में सोच के रख लें। जब हम आंसर बताते हैं तो आंसर बताते टाइम आप उसको देखो कि वो आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उस हिसाब से आप अपने आप को जज करो कि आपका जो है स्कोर क्या रहा है। उसके बाद जो स्टार्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट क्वेश्चन को आप क्या करो, स्टार्ट क्वेश्चन आप देखो, स्टार्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दो और उसकी डिटेलिंग लो, ठीक है। तो डिटेलिंग लेने से जो है आप उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट भी करो, उसके बाद जो है कंप्लीट जो है पूरा स्कोर आप एक बार पोस्ट करो, उसके बाद आप जो है इस सेशन को लाइक शेयर बिल्कुल करना ना भूलें। हम जो है यहाँ पे UPSC का पूरा एकदम माहौल डेवलप करना चाहें, तो उस तरीके का माहौल जो है आप शेयर करेंगे, आप लाइक करेंगे, तभी जो है हमें जो है मोटिवेशन मिलेगी। और आप अपनी ओपिनियन सजेशन इसके बारे में ज़रूर लिखें कि आपको ये कैसे हेल्पफुल हो रहा है आने वाले टाइम में,
थर्ड जून को हमारा यूपीएससी प्री है, तो डेफिनेटली इसके लिए तो हम कर ही रहे हैं। फ्यूचर में इससे जुड़े हुआ और क्या कर सकते हैं, एड ऑन हम इसमें क्या कर सकते हैं, इससे जो 2019 का जो यूपीएससी है उसके परस्पेक्टिव में हम इसको अंदर और क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।